फरीदाबाद में मरीज की मौत पर हंगामा करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल के गेट पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि अस्पताल के बाहर डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन कर रहे लोग अपने मरीज की मौत से दुखी है। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम तिलक राज है। हुआ क्या था? हुआ ये था, मैं अपने बेटे का बवासीर का ऑपरेशन करवाने इनके यहाँ हॉस्पिटल में आया। कौन सा हॉस्पिटल है ये? एपेक्स फरीदाबाद में है, ये सी ब्लॉक में, 3C में। और मेरा, मैं बेटे को यहाँ ऑपरेशन करवाना था और इन्होंने 16 फरवरी को मेरे बेटे को एडमिट करा और 17 फरवरी को सुबह ये 10:10 पर अजय कपूर डॉक्टर ये आए और आते ही बच्चे को अंदर ले गए। और अंदर ले जाने के बाद एकदम 5-7 मिनट बाद डॉक्टर साहब आए, कहने लगा हमने अभी ऑपरेशन नहीं किया, थोड़ी देर लगेगी। उसके बाद ये डॉक्टर एकदम अंदर घबरा गए, ऑक्सीजन सिलेंडर ले गए, भागे इधर इधर, 2-4 डॉक्टर हो रहे वो भी इधर उधर भागे। मैं बाहर बैठा हुआ था, मेरी मिसी थी, मेरी बेटी भी थी, पर इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। पता तब लगा वहाँ से एम्बुलेंस आ गई, इन्होंने एम्बुलेंस स्कॉर्ट की करी, एम्बुलेंस आई और उसी के अंदर डॉक्टर सेठी, राकेश सेठी, वो ऑक्सीजन लगाए हुए पूछ करते हुए उसको स्कॉर्ट में ले गए। स्कॉर्ट में ले गए तो हमें गाड़ी में भी नहीं बिठाया, हम जो सा अपनी मोटरसाइकिलों पर जैसे भी थे वैसे पहुँचे वहाँ। वहाँ गए तो वहाँ 15-16 डॉक्टर की टीम मेरे बेटे के साथ लगी हुई थी। वो कहते ये क्या ले आया, ये तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्यों, उसको दौरे पड़ रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से और साख रहा था। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा कि ये वेंटिलेटर पर ये रहेगा और इसकी हम गारंटी नहीं लेंगे, बचेगा नहीं बचेगा, ये कोमा में भी जा चुका है। डॉक्टर को अरेस्ट किया जाए, डॉक्टर की क्लिनिक बंद किया जाए, ऐसे जालिमी डॉक्टरों को अच्छी से अच्छी सजा मिले ताकि आगे किसी और का बच्चा ना मारेंगे। और इसका लाइसेंस रद्द हो, और इसका लाइसेंस रद्द हो, और ऐसे डॉक्टरों को कानूनी कार्रवाई इतनी की जाए कि वो उसको सजा मिले कि हाँ भाई किसी के बच्चे को कैसे मारा जाता है और किसी के साथ कैसे अन्याय किया जाता है। एक 32 साल का बच्चा 3 दिन से मरा हुआ है, 3 दिन से। कल हम मेडिकल हॉस्पिटल में बैठे थे, शव गृह में मैं बैठी थी सुबह 8 बजे से। 8 बजे से इस कुत्ते डॉक्टर ने वहाँ अप्रोच लड़ाई हुई थी हमारा, वहाँ इसने ये नहीं होने दिया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। 8 बजे से लेकर शाम के 6 बज गए, शाम के 6 बज गए, इसका वहाँ से परमिट, इसने ऑर्डर किया कि इतने लाख मैं तुम्हें दूंगा, इसको पोस्टमार्टम अप कर दो ताकि ये शाम को डेड बॉडी लाए और आते ही जला दें। जी डॉक्टर साहब, बीपी नाम का एक पेशेंट आपके यहाँ भर्ती हुआ था, जी जी, मौत हुई है। जी जी, आरोप लगा रहे हैं परिजन, हाँ जी, कि गलत डोज या हैवी डोज की वजह से उसकी मौत हुई है, क्या मामला है? जी मामला बहुत ऐसे था कि पेशेंट हमारे पास आया था ऑपरेशन के लिए, और जो हम साधारण सब हर एक मरीज में जैसा इलाज करते हैं वैसे ही किया। पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और जो रूटीन में इंजेक्शन लगाया जाता है ऑपरेशन के लिए, स्पाइनल में इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद पेशेंट कहला मुझे घबराहट सी हो रही है, इरिटेबिलिटी होती है, सांस नहीं आता, तो एलर्जी के जो हिसाब से सिम्टम होते हैं उस हिसाब से हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन मरीज़ की हालत क्योंकि ज़्यादा ख़राब लगती थी तो हमने उसको एक और डॉक्टर को बुलवा लिया, सारे डॉक्टर साहब थे हमारे पास, सारी टीम को बुला के उसको बेसिक रेसिस्टेशन की और उसको फिर हमने फोर्टिस अस्पताल में भिजवा दिया, एम्बुलेंस बुलवा कर, जो हमसे बेस्ट पॉसिबल करता था हमने ट्रीटमेंट किया उसका। डॉक्टर साहब, किसी पेशेंट को आप किस कंडीशन में भर्ती करते हैं, क्या ऑपरेट करने से पहले जो इंजेक्शन लगाते हैं क्या उसकी ये देखते हैं कि उसमें रिएक्शन हो रहा है? हाँ, देखते हैं और उससे जांच भी करी गई थी। तो आपने इंजेक्शन का रिएक्शन क्या था? की गया, चेक कर लिया था, नहीं। उस टाइम पे क्यों हुआ, क्यों मालूम हुआ? ऐसा है कि कई बार रिएक्शन लेट आती है, कई बार नहीं मालूम पड़ते, छोटी रिएक्शन होती है। जब डोज सब जो बाहर टेस्ट करते हैं 0.5 ml किया और टेस्ट जो वास्तव में देते हैं 3 ml लगाते हैं, और वो देने रीढ़ की हड्डी में लगाने से उसको उसमें, उसके अलावा दवाई के अंदर भी अपनी दवाई और भी होती है प्रिजर्वेटिव, उनकी रिएक्शन भी हो जाती है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। किस बीमारी के लिए आपने इलाज कराने आए थे? वो पाइल्स या वो सर्जिकल प्रॉब्लम थी जी। कभी क्या बवासीर ऐसी घातक बीमारी जिसमें आदमी की मौत हो जाए? नहीं, बवासीर की बीमारी से तो घातक बीमारी से मौत नहीं होती,
पेशेंट को देखिए प्राइमर फेसिस ये लगता है कि दवाई की रिएक्शन होगी, कोई एनाफिलेक्सिस रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि शॉक में चला जाता है मरीज, दवाई लगते ही सिंपल तो एलर्जी रहती है, उस एलर्जी की सीवियर फॉर्म एनाफिलेक्सिस है। हम तो अभी यही कहेंगे एनाफिलेक्सिस हुआ।